दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 23 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो लोग बहुधा ये सवाल पूछा करते हैं कि क्या विशिष्ट कारण है कि प्रश्नोत्तरी इतने लंबे समय से निर्बाध रूप से चल रही है और इतने ही उत्साह, उमंग और जोश से आप लोग पधारते हैं और इसमें भाग लेते हैं। क्या विशिष्ट बात है, क्योंकि कई कार्यक्रम होते हैं आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तरी टिकी हुई है। उत्तर बड़ा ही सरल है। प्रश्नोत्तरी जैसे कि हम खाना खाते हैं, यानी रोटी खाते हैं, यानी दाल खाते हैं, वो रोजाना खाते हैं, यानी जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, जानने की ललक प्रभु ने हम पर इनबिल्ट की है। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज समस्या यह है कि हार्ड स्किल्स जो हमारा डोमेन है उसमें हम कॉम्पीट करते हैं, फियर्सली फॉट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बना देते हैं, और कई बार हम सुनते हैं कि जो युवा है वो आत्महत्याएं कर लेते हैं बिकॉज इतना प्रेशर होता है पेरेंट्स का, टीचर्स का और अन्य कॉम्पिटिटर्स का कि वो सोचते हैं दैट आई एम एब्सोल्युटली और हाईली इररिलेवेंट इन दिस सोसाइटी, मैं कॉम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तो प्राण त्याग ही देने चाहिए। जब प्राणों की बात आती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन यहीं खत्म नहीं होता। प्रभु ने हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं दी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, रिसर्चेज ये कहती हैं कि छोड़िए पढ़ाई कितनी आपने की, जब आप जीवन संग्राम में जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे, वो तो इंटरव्यू की कुर्सी पर ले जाने के लिए एक प्रमाण पत्र है कि आपने डिग्री प्राप्त की। इसलिए 98 है या 90 है या 80 है या 70, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि सॉफ्ट स्किल्स कितनी डेवलप की आपने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या हैं, और इंडिविजुअली यू मे बी द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू यह है कि आपके थॉट और बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक्स, समूह रूप में क्या है, एज ए टीम आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो आइए हम संकल्पित होते हैं, इस बात के लिए पहले जोरदार तालियां बजाइए आप। मैं ये बताना चाहूंगा, सुबोध अग्रवाल साहब सीनियर आईएएस और अभी जो उपभोक्ता मामले हैं, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जो विभाग हैं उसके प्रमुख शासन सचिव हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाइए। आप मुख्य अतिथि हैं आज के, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। और एक विशेष बात कि देखिए, एक सिविल सर्वेंट होता है, एक आईएएस ऑफिसर बनता है, बड़ा सम्मान होता है कि ये अब कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सिविल सर्विसेज डे पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कि क्या अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप नवाचार कीजिए, परिस्थितियों को समझिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए, अंततोगत्वा उसके लिए पहले आप स्वयं परफॉर्म करिए सिचुएशन को समझ करके। तो उसके लिए पहले वो कहते हैं जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म्स कीजिए अपने अनुसार, उद्देश्य आम आदमी, उसका हित चिंतन। तो क्या कीजिए आप, सबसे पहले रिफॉर्म्स कीजिए प्रक्रिया में, दूसरा फिर परफॉर्म कीजिए ताकि एक नजीर बने, हां इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और उसके पश्चात ट्रांसफॉर्म कीजिए विभाग को और अंततोगत्वा हालातों को, यानी समाज को। ऐसा व्यक्तित्व है सुबोध अग्रवाल का, तालियां जोरों से बजाइए इनके सम्मान में आप। इन्होंने कई नवाचार किए हैं और उपभोक्ता संरक्षण विभाग आपका ऋणी रहेगा, चिर ऋणी रहेगा, क्योंकि
किसी भी विभाग के जीवन काल में कभी कभी स्वर्णिम युग आता है। एक बार तालियां उनके लिए फिर बजाइए आप। उनसे हम चर्चा करेंगे उन्होंने क्या किया और कैसे कर लिया। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर अनंत शर्मा। तालियां जोरों से बजाएं उनके लिए। आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, केन्स जो अग्रणी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है इस क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के क्षेत्र में पायनियर जो हैं, और अभी हाल ही में राज्य स्तर पर सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया गया पहले व्यक्ति हैं इस क्षेत्र से। तालियां बजाइए उनके सम्मान में जोरदार तरीके से आप। तो आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूं विशिष्ट बात यह है कि हम सभी उपभोक्ता हैं। जीवन में हम कुछ भी करते हैं तो जीवन यापन के लिए गेहूं भी खरीदते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं यानी रोटी कपड़ा, चाहे मकान खरीदते हैं या अन्य संसाधन या उपभोग की वस्तुएं। एक सतत रूप से कॉम्पिटिशन के जमाने में लोग ये भूल गए कि उनका दायित्व क्या है, ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है। आप पर विश्वास करता है, व्यापारी पर विश्वास करते हैं, दुकानदार पर विश्वास होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, लोग मान के चलते हैं भाई ये गलती नहीं कर सकता, यानी प्योरिटी होगी, यानी इसमें डिफेक्ट्स नहीं होंगे, या क्वालिटी वैसी होगी जैसा कि वादा किया गया है। लेकिन कई बार इतनी धोखाधड़ी यानी लालसा पैसा कमाने की कि क्या करते हैं लोग, वजन लिखा हुआ कुछ उतना मिलता नहीं, नाप गलत, माप गलत, जो मेजरमेंट्स आजकल चलते नहीं उनका उपयोग और क्या नहीं, क्या आप सभी जानते हैं। आप विश्वास कर करके कोई चीज लाते हैं, खराब हो जाती है तो आपको ये तो बात की बात है कि वो इसको रिपेयर करेगा, ठीक करेगा, बदलेगा, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर जाएंगे तो कहीं हमारी अस्मिता का हनन नहीं कर दे। आतंकित रहते हैं लोग क्योंकि मार्केट फोर्सेस दे आर ऑर्गेनाइज्ड। देयरफॉर हमने आमंत्रित किया जो राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कि आप पधारें और आपसे करेंगे हम बात और आप बताएंगे कि उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए। आप आश्वस्त कीजिए लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार और आप एक विशिष्ट बात कर रही है उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में। तालियां बजाइए इस बात के लिए, आपके लिए आप जोरदार तालियां। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल है आपको ये बताना है कि आज हम जानते हैं कि दुनिया एक गांव हो गई है, दुनिया में क्या घटित होता है सब प्रभावित होते हैं और कई क्षेत्रों में जो क्रांतियां हुई है, मूवमेंट यानी आंदोलन चले हैं उसकी परिणति विश्व एक यानी विश्व दिवस को मनाना। तो आपको ये बताना है कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। और जीतिए पुरस्कार और एक पुरस्कार इस बात के लिए दे दूंगा ये तिथि ही क्यों, विशिष्ट कारण है क्यों। नहीं, हाथ नीचे मत करिए, एक वो तो पुरस्कार पकड़, दूसरा दूंगा तो वो दूसरा कोई बताए तो ठीक है। तो पहले आपने हाथ खड़ा किया, आप बताइए किस तिथि को। सर 15 मार्च। 15 मार्च यानी 15 मार्च को, बिल्कुल सही। शुभ सर रोहित आदित्य। रोहित दादी, तालियां जोरों से बजाइए रोहित साहब के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। अब कोई ये बता दे कि इस दिन क्यों, ये दिन तय क्यों किया गया, क्योंकि पीछे इतिहास होता है, कोई विशिष्ट कारण होता है। वाह क्या बात है, जी खड़ी हुई आप। इस दिन चार उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो अब आतंकित क्यों है, अधिकारों की घोषणा है, वेमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, बिल्कुल तसली से ताल ठोक करके, और माइक तो आपने पकड़ रखा, मैं जाऊंगा कहां। हाँ, तो इसलिए चिंता की बात, तालियां बजाइए इनके लिए, एम्पावर करने के लिए।
हुई थी, किसने की थी, क्या बता सकती हैं जी? अमेरिका में। अमेरिका में, अरे वाह क्या बात है। और पुरस्कार पक्का हो चुका है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ओ, उस समय जो राष्ट्रपति थे। अच्छा, कौन थे या किस वर्ष की बात है? 1986। एक मिनट, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, 19... नहीं, वो 1962 तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। और अमेरिका में आपने बता दिया, चार अधिकार, उपभोक्त तालियां बजाइए। क्या बात है। शुभ नाम? प्रियंका मीणा। प्रियंका मीणा, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन, एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट कम्युनिकेशन इज मैनेजमेंट। हम क्या है, घबरा जाते। किस बात के लिए घबराना? ताल ठोक के कहिए, ये है, ये है। एक बार ताल ठोकेंगी अब ये, इसलिए बजाइए तालियां आप। देखिए, उपभोक्ता आंदोलन जो है दुनिया भर में, जो मूवमेंट है, उस पर ये मील का पत्थर माना गया इस दिन को। अब मेरा सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान में भी दिवस मनाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण दिवस, वो किस तिथि को मनाते हैं? और दो पुरस्कार, एक तो तिथि बताने पर और एक इस बात के लिए कि क्या कारण है, क्या विशिष्ट बात उस दिन हुई, सन भी बता दें तो फिर दूसरा पुरस्कार। जी बोलिए आप। 24 दिसंबर। 24th December, करेक्ट आंसर। शुभ नाम? सृष्टि मंत्री। सृष्टि मंत्री के लिए तालियां क्यों नहीं बज रही है? अब बताइए साहब, 24 दिसंबर को क्या विशिष्ट बात, क्यों ये तय किया गया कि हिंदुस्तान में हम उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाएंगे? वाह, खड़ी हुई आप। इस दिन अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था, 24 दिसंबर, इसलिए। यस, तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने एसेंट दी थी और दस्तखत किए थे, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जयंत सिंह जी। शुभ नाम? मेघा शर्मा। मेघा जी, आप तो मेघ की तरह सावन में बरस रही हैं। आने वाला सावन, तालियां जोरों से बजाइए मेघा के लिए। ये अंदाज होना चाहिए मेघा की तरह। देखिए, जब आंदोलन की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो हर युग में लोग किसी भी यज्ञ में अपनी आहुतियां देते हैं। आपको यह बताना है कि वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को उपभोक्ताओं के हितों की चिंता के लिए, क्या कोई कानून बनना चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उसमें वो देश अग्रणी रहे, इतिहास साक्षी है, उनके लिए स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। उन देशों का बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार। जी अब इधर की बारी। अरे आपको तो पुरस्कार मिला है, अब तो देखो एम्पावर हो गई है। हाँ जी बोले आप। अमेरिका, यूरोप एंड ब्रिटेन। अमेरिका, यूरोप एंड ब्रिटेन, यानी यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज। आपका शुभ नाम? सीमा जी। तालियां पहले तो सीमा जी के लिए जोरदार बजाइए। लेकिन एक बात बताइए सीमा जी, और राज की बात है कि आपने नाम तो रखा सर सुबोध साहब, नाम तो रखा है सीमा, लेकिन जानकारियां असीम। क्या बात है, तालियां बजाइए इनके लिए। ये जानकारी होनी चाहिए, इस प्रकार से कंट्रीज का नाम बोलना चाहिए। देखिए, जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के संस्कृति की बात करते हैं, हमारी रीति रिवाज और परंपराओं की बात करते हैं, और हमारा जो प्राचीन वांग्मय है यानी जो हमारे शास्त्र हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो एक विशिष्ट बात आती है कि हिंदुस्तान हर क्षेत्र में मोटे रूप से अग्रणी रहा है। आपको बताना है, नाम बता दीजिए एक दो प्राचीन ग्रंथों का जिनमें जिक्र है उपभोक्ता संरक्षण का, उसके बारे में विशद रूप से बताइए, और दो पुरस्कार दूंगा, क्योंकि हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की अस्मिता की बात करते हैं। खड़ी होइए आप। सर, अर्धशास्त्र में चाणक्य जी ने,
जी अर्थशास्त्र अर्थ नहीं चाणक्य का अर्थशास्त्र अरे बिल्कुल सही शुभ नाम दिव्या कोडवानी दिव्या कोडवानी जी के लिए तालियां बजाइए यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का बिल्कुल सही और वाह एक दो तो भाई पुरस्कार दो ले जाऊंगा क्योंकि ना नहीं सवाल सर ये जानकारी होना प्रश्न ये कोई मटेरियल है कि दिया या नहीं दिया लेकिन आपको याद रहेगा और लोग प्रेरित होंगे जी बोले आप चाणक्य के अर्थशास्त्र में अरे वो तो हो गया मनुस्मृति मनुस्मृति आपका शुभ नाम माधुरी जांगिर माधुरी जी आप इतनी मधुर हैं लेकिन आपकी स्मृति इतनी जबरदस्त कैसे है राज की बात तो तालियां बजाइए जोरदार तरीके से जोरदार तालियां तालियां जोरों से बजनी चाहिए और अच्छा अभी और बताएंगे वाह साहब बताइए बताइए एक अब इधर पहले हाथ खड़ा कर दिया यू आर डिले अर्थवेद में भी लिखा है अथर्ववेद हाँ वो करेक्ट करिए ये पक्की सहेली आपकी ध्यान रखना शुभ नाम प्रतीक्षा सिंह किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप प्रतीक्षा सिंह के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप जोरदार तरीके से क्या बात है क्या जानकारियां है तालियां तालियां बजाइए जोरों से हम बाजार में जाते हैं उपभोक्ता हैं और कोई चीज लेने के लिए जाते हैं कोई वस्तु खरीदते हैं कोई सेवा हम लेते हैं उसमें खराबी निकल जाती है न्यूनता निकल जाती है कमी निकल जाती है कुछ और बात हो जाती है तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने कौन सा कानून बना रखा है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए और मैंने इतना बोल दिया ये तो उत्तर ही दे दिया मैंने बताओ और जीतो पुरस्कार जी बोले आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ईयर ऐसे नहीं 96 देखिए ये क्या होता है ये नकल मारने में भी कहते हैं अकल चाहिए जो बोल रहा है कौन बोल रहा है सुना तो चलिए आपको शुभ नाम बताएं खुशबू तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए और आपने मार्ग प्रशस्त कर दिया आपको ईयर अगर कोई बता देंगे तो साथ में आपको मिला पुरस्कार पूछा मैंने पहले तो खड़ी हुई आप जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ताल ठोकर के बात करती है शुभ नाम हिमांशी शर्मा जी हिमांशी शर्मा तालियां जोरों से साहब ये तालियां देखिए अब पहले आप गाना सुन लें फिर पूछूंगा सवाल क्योंकि नहीं तो आप चिंतित हो जाएंगे चिंतन में डूब जाएंगे और मौका है आपके झूमने का बताना है कि तनुजा के कहने से आपने बेर खरीद लिए खट्टे मीठे जो भी हैं पैसा भी दे दिया और तबीयत खराब हो गई आप सबकी जिन्होंने बेर खाए थे मेरा सवाल यह है क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अगर वो इलाज का पैसा देने से इनकार कर दे आनाकानी करे तो आप राहत पा सकते हैं क्या आपका जो विवाद है उसका निस्तारण हो सकता है हाँ या ना बस इतना सा बताना है और जीतना पुरस्कार लॉजिक भी पूछूंगा जी बोले आप हाँ। अच्छा बेर खरीद लिए और कितने तो पैसे दे दिए आपने और वो बेर कहाँ से लाई तनुजा से नहीं तनुजा से तो लाई तनुजा कहाँ से लाई सर पेड़ पर से या होलसेलर से भी हो सकता है हैं अच्छा मान लो वो पेड़ से लाई तो भी जा सकती हैं आप हाँ और अगर वो किसी से खरीद के लाई तो भी जा सकती हैं आप
ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी तनुजा से, ये बताएं आप। सर लेकर तो वही आई है। अच्छा वो लाई है, तो आपने क्या विश्वास किया तनुजा पर? विश्वास करके लिए थे पर धोखाधड़ी हो गई। इंटेंशन था धोखा देने का उनका? नहीं। कोई दुश्मनी है तनुजा की आपकी? नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? हेमलता। हेमलता जी, इस पर विस्तार से तो जानकारी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे जो एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन आपने जो अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, अंदाजे भया जो आपका था, इसलिए तालियां बजाओ। एक पुरस्कार आपको देते हैं, जोरदार तालियां बजाओ। मैं ये सोचता हूं कि एक बार मैं सुबोध अग्रवाल साहब से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, जिनकी बड़ी ख्याति है हिंदुस्तान भर में कि कई नवाचार किए हैं और राजस्थान को नंबर एक पर आप लेकर के आए हैं, आपसे ये पूछना चाहूंगा पहले, क्योंकि कई बार ये शिकायत होती है कि उदासीन रहते हैं उपभोक्ता। सर आपकी उपभोक्ताओं से क्या अपेक्षा है, ये थोड़ा फरमाएं आप। मैं स्वयं भी उपभोक्ता हूं जी, और मैंने खुद महसूस किया, और खासकर जो है चूंकि जानकारी का अभाव होता है यहां, जी, तो सबसे पहले जो भी चीज आप खरीदें उसको अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें और फिर जो है उसको खरीदें। बहुत छोटी सी कहावत है, बिग प्रिंट गिव्स स्मॉल प्रिंट टेक्स जी। तो क्या होता है कि बड़ा बड़ा तो वो आपको लिख देंगे डिस्काउंट। अभी शहर में, पूरे शहर में डिस्काउंट चल रहा था, लिखा था फ्लैट 50% जी, बगल में एक छोटा सा तारा लगा था जी। मैं खुद शॉप पे गया अपने बच्चों के साथ, पूछा कितना डिस्काउंट है कि 20%। भाई बाहर लिख रखा है कि सब आपने छोटा नहीं पढ़ा, उसमें लिखा था कंडीशंस अप्लाई जी, और वो कंडीशंस क्या हैं ये केवल वहां खड़ा सेल्समैन बताता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो जी, है जी, बड़े ध्यान पूर्वक जो मुड़कर आप वापस आइए और इस बात की पब्लिसिटी कीजिए कि ये झूठ लिख रहे हैं जी। दो तरह से हो सकता है इसका समाधान, एक तो ये कि आप कोर्ट्स में जाएं जी, लेकिन कोर्ट में आप तभी जा पाएंगे जब आप उससे कुछ खरीदेंगे जी, तो आपका अधिकार तब बनेगा, बिकॉज ये एक ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जी। लेकिन दूसरी बात ये कि आप उसकी पब्लिसिटी करें कि ये झूठा है जी, क्योंकि जो गुडविल है जी, वो गुडविल जब तक आप खराब नहीं करेंगे, और आज तो इतना तगड़ा मीडियम है। एक खुद उदाहरण दूंगा, मेरी डॉटर ने इंटरनेट पर दो सॉक्स मांगे जी, साइज उन्होंने गलत भेज दिया, रंग फर्क भेज दिया। उनसे बात की तो उन्होंने कहा साहब हमें तो यही समझ में आया था। उन्होंने इंटरनेट पर उसको केस किया, फॉरवर्ड किया, मैंने आनंद जी को भी भेजा, नोटिस दिया, ना केवल उन्होंने पैसे वापस लिए बल्कि माफी भी मांगी। तो ये जोरों से बजाइए उस बच्ची के लिए, हौसला देखिए, आप सभी बच्चियां हैं, बी एम्पावर्ड, ताल ठोकिए, ये संदेश है सुबोध साहब का। सर आप देखें, बड़ी कंपनी बड़े नाम से घबराए नहीं। इसी जगह इसी हॉल में एक बार जब कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे बताया गया कि टाटा स्काई में डीडी राजस्थान को नहीं एयर करते हैं जी। कारण कुछ नहीं था, टाटा स्काई की दादागिरी थी। जब ये बात जानकारी में आई तो हमने इसको टेकअप किया जी, जो सरकार ने केन्स के साथ अरेंजमेंट किया, इन्होंने नोटिस दिया। आज दूरदर्शन को आप टाटा स्काई पर देख सकते हैं, जो दो महीने पहले नहीं था। बजाइए सुबोध साहब के लिए, आपके प्रयासों से ये संभव हुआ। और एक मिनट तालियां रोकिए और फिर बजाइएगा। ये मैं कहना चाहूंगा, और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आम तौर पर यह शिकायत की जाती है कि सरकार भी कोर्ट्स में जा सकती है उपभोक्ताओं के हित के लिए, जो उपभोक्ताओं के लिए जो न्यायालय बने हुए हैं, कोर्ट्स बने हुए हैं, या जो विभिन्न मंच बने हुए हैं वहां पर जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकारें आमतौर पर नहीं जाती। लेकिन जो सामाजिक सरोकार है, अपना जो दायित्व है, वो राज्य सरकार ने समझा, सुबोध साहब ने समझा, और आपको ये पीड़ा हुई कि भाई डीडी राजस्थान दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। आपने सूचित भी किया कि हमने नोटिस दे दिया है, कुछ जवाब आया है, और कुछ दिनों बाद आपका संदेश आया, अब देखिएगा, कह दीजिए उनके पास जिनके टाटा के कनेक्शंस है। सर आप बधाई के पात्र हैं, तालियां जोरों से बजाइए। अब आप
ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप किसी से ये मत घबराएं कि बहुत बड़ी कंपनी है, दूर है, नेट पर है, हमें तो नाम नहीं पता। मैं खुद एक बार दिल्ली एक मीटिंग में जाना था मुझे जी, जेट एयरवेज से मेरी फ्लाइट की बुकिंग थी। सुबह उन्होंने 8:30 बजे कहा कि आपकी जो है 9:30 बजे फ्लाइट हो गई है। मेरी 10:30 बजे मीटिंग थी, मैं सोचा थोड़ा लेट चला जाऊंगा। फिर बताया कि नहीं साहब, फ्लाइट 12 बजे हो गई है। मुझे काफ़ी नाराज़गी भी हुई पर समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर जब उन्होंने कहा कि अब फ्लाइट 1 बजे जाएगी तो मैंने कैंसिल किया। और बड़ा उन्होंने ये दिखाते हुए कि साहब हम आपका पैसा रिफंड कर रहे हैं, हमें पैसा वापस कर दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए नहीं है कि मुझे जिस काम के लिए जाना था, जो मुझे सरकार की बात केंद्र सरकार में कहनी थी, मैंने उनके साथ पत्राचार किया, गोलमाल जवाब आया। और आज शायद आपने अखबार में देखा होगा कि मैंने उपभोक्ता मामलात सचिव के रूप में उन पर केस ठोका है और उसमें 10 लाख रुपए सरकार को दिलाने की बात कही है। तो आप घबराएं नहीं, हिम्मत नहीं हारें, चीज़ों को पढ़ें, समझें, अपने अधिकार जानें और उन अधिकारों को उपयोग करें। और मुझे विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा बहुत सारे वेस्टर्न देश कर चुके हैं, हम क्यों पीछे रहें? हमें अपने अधिकार इस्तेमाल करने चाहिए। छोटी सी बात, लोग कहते हैं आसमान में छेद नहीं होता, दोस्तों पत्थर उछाल कर तो देखो, नहीं तो कैसे होगा। तालियां दोनों को दे, क्या बात है सब। हम ये समझते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो मोटिवेट हुए होंगे और अब वो निहायत आवश्यक रूप से अब ताल ठोकेंगे। जो भी गलत प्रैक्टिसेस करेगा, धोखाधड़ी करेगा और अवमानना करेगा कंज्यूमर की। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आपसे संक्षेप में, विस्तार से तो आपसे मैं बात करूंगा, एक बात ये बताएं, ये बेर वाला प्रकरण था, अब इसमें बिल भी नहीं था, बेर खा लिए, बीमार हो गए, क्या कुछ हो सकता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें कंज्यूमर्स को 6 राइट्स मिले हैं, 6 अधिकार हैं जी, और उसमें 5वां अधिकार है कंपनसेशन का, यानी क्षतिपूर्ति का जी। और वो इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर आपने बाजार से कोई भी वस्तु ली है या सेवा ली है और उसे किसी भी प्रकार का नुकसान आपको हो गया है, क्षति पहुंची है, तो आप क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अगर बेर आपने खरीदे, वो घटिया दे दी गई, उससे परिवार के लोग बीमार हुए हैं, तो न केवल बेर का पैसा बल्कि पूरे इलाज का पैसा आप उससे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। थैंक यू वेरी मच। अब जब हम एक्ट की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, हम अधिकारों का उपयोग कब करेंगे? जब हम समझें। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार एक उपभोक्ता कौन है, क्या परिभाषा दी गई है, कौन है उपभोक्ता? और एक पुरस्कार और दूंगा, उसमें एक विशिष्ट कैटेगरी है उनको, यद्यपि वो कुछ करेंगे वो बाद में, क्योंकि अभी उत्तर आ जाएगा, वो कैटेगरी बाद में पूछूंगा। एक सवाल और जी, इधर आऊं? चलिए, चुनौती स्वीकार। हाँ, कौन बोला इधर आओ? हाँ जी, इधर के लिए बोला ना, इधर के लिए, मैं इधर आ गया। चलिए, हाँ सर, आप उदास क्यों हैं? हाँ, अब बोले आप। उपभोक्ता वह होता है जो कीमत देकर वस्तु खरीदता है और उनकी सेवा प्राप्त करता है। सेवा प्राप्त करता है, वाह, शुभ नाम। संतोष गुजर। बिल्कुल संतुष्ट, हाँ गुजर। तालियां बजाओ जी संतोष जी के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही। इधर भी आऊंगा, आप इंतजार कीजिए, तालियां बजाइए। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक विशिष्ट कैटेगरी यानी एक एक्सेप्शन दिया इस रूल में, एक्ट में ही, तो कुछ और लोग जो पैसा देंगे लेकिन सेवा लेंगे और चीजें खरीदेंगे लेकिन वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो विशिष्ट क्लास वर्ग कौन सा है बताएं और जीते। आपको मिला पुरस्कार, आपको भी मिला पुरस्कार, अच्छा इसको भी मिला, अच्छा इसको नहीं मिला, अच्छा यू आर रेकमेंडिंग, अच्छा अच्छा खड़े होइए साहब आप जी। सर, कमर्शियल पर्पस और फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज दे दी, वो तो बात ही अलग है, क्योंकि वो तो डेफिनेशन में नहीं आया ना, कीमत दे करके, वो तो बात है कमर्शियल पर्पस के लिए। आपका शुभ नाम? सर राजेश सैनी। राजेश सैनी साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए।
और एक पुरस्कार और दे दूंगा कि इस कमर्शियल पर्पस में भी एक एक्सेप्शन है कि वो छूट दी गई है कि वो लोग उनकी एक्टिविटी कमर्शियल नहीं मानी जाएगी। हाँ जी, जो छोटे लेवल पे करते हैं जैसे चाय की थड़ी वाले, वो उन लोग भी उपभोक्ता, यानी स्व रोजगार के लिए अगर वो परचेज करते हैं तो वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, जिससे अपना स्वयं का पेट पालते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो बड़ों के लिए नहीं है। जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उसके लिए सिविल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो जाइए चुकाइए भारी शुल्क। और यहां पर तो बात है छोटे एकाकी अनऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण की। आपका नाम? सूफिया खान। सूफिया खान, सूफी संत है तू, धन्य है तू, क्या बात है, कितनी बारीक जानकारी तेरी। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, आप जोरदार तालियां जोरों से बजनी चाहिए। सर देखिए क्या जानकारी, यानी सभी लोग, यानी विस्तार से लॉ की कक्षा में इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, आप तो स्वयं टीचर लगते हैं। तालियां बजा लो भाई। देखिए केन्स, CANS, अर्थ भी बता दें, और ये क्या संस्था है, क्या करती है, कब गठन हुआ, वर्ष बता दें और जीत लें पुरस्कार। काफी लोगों ने चलिए इधर 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 जी बोले आप। कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी जी, कब हुआ गठन? 1991 में। अरे तिथि भी बता सकती हैं क्या? बाय डॉक्टर आनंद शर्मा। हाँ, बाय आनंद शर्मा, यानी फाउंडर प्रेसिडेंट थे जो यहाँ विराजित थे, उनके लिए तालियां और इनके लिए भी तालियां जोरों से बजाइए आप। और आपका शुभ नाम? यशस्विनी जी। यशस्विनी, यशस्विनी, वाह, और यशस्वी भवो, तालियां जोरों से बजाओ भाई साहब, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मेरा एक सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, और नहीं तो पहले ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, फिर हो गया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि वह उत्पाद कौन सा है हिंदुस्तान का पहला जिसे श्रेय जाता है ISI मार्क प्राप्त करने का, बताइए उस उत्पाद का नाम और जीतिए पुरस्कार। जी बताएं आप। कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद जी, नहीं कृषि उत्पाद नहीं, कोई एक उत्पाद का नाम बताएं आप। जी छोटी बच्ची जी। ज्वेलरी। जी ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं, नहीं नहीं जी, बोले आप। इलेक्ट्रिकल आइटम। इलेक्ट्रिकल आइटम और नहीं, वह उत्पाद हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, हाथ खड़ा करेंगे, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता जिस पर हम कुर्बान होने में गौरवान्वित अनुभव करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे, वैसे नहीं बोलेंगे। आपको मिला पुरस्कार जी। नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां। तिरंगा। आपका शुभ नाम? अक्षरा जी। अक्षरा। अक्षरा, अरे वाह अक्षरा जी, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। अक्षरा जी के पसीना आ गया कि कहीं गलती तो नहीं करूं, लेकिन जब राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं, हमारी अस्मिता का प्रतीक का, 15 अगस्त, 26 जनवरी, खादी, यहां तक जब आपको कहा तो राष्ट्र ध्वज, तिरंगा, ट्राइकलर जिसे हम कहते हैं, तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। तिरंगे को पहले मिला IS 1951 में, IS 1964, देन IS 1968, और उसमें यह था कि जो खादी है कॉटन खादी वो स्टैंडर्ड होगा, यानी क्लॉथ जो यूज होगा। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए आप। मैं सर आपसे एक बार फिर
जानकारी चाहूँगा, क्योंकि हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं जब हिंदुस्तान में कहीं भी बात चलती है उपभोक्ताओं के अधिकारों की, उनके संरक्षण की, तो राजस्थान का जिक्र आता है। तो और पिछले कुछ एक दो सालों का, तो वर्तमान सरकार के नेतृत्व में आपने ऐसा क्या करिश्मा किया, क्या नवाचार किए, कैसे एम्पावर किया कि सब लोग राजस्थान 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 की, पहले तो तालियां बजाओ साहब राजस्थान के इस गौरव के लिए जो आपने दिलाया है। जी आपका शुक्रगुजार हूं। जी मेरा तो इसमें रोल था, नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का था और सरकार का है। जी हमने कई ऐसे काम किए जो मैं यहाँ गिनाऊंगा, जी, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा काम है जिसको कि हम मैं अंत में कहूँगा, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज है, जी, गेम चेंजर, जिसको कि हम अन्नपूर्णा योजना के नाम से बताएंगे। जी पहले तो हमने बहुत सारी चीज़ों को स्थिर किया, उपभोक्ता कोर्टों में पद रिक्त थे उनको किया, जमीन का आवंटन किया, एक छत के नीचे सारे उपभोक्ता मंच आ जाएं, उसके लिए फंड्स का लोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया, और बहुत सारी गतिविधियां जिसको कि हम हार्डवेयर के रूप में कहते हैं। पर जो मौलिक चेंज हुआ, जी, वो मौलिक चेंज ये हुआ जो देश में सबसे पहली बार हुआ, जिसको कि हम नवाचार की श्रेणी में जानते हैं, जी, कि अभी तक लोग बात करते थे कि उपभोक्ताओं को अगर उसमें कोई कमी रही है सेवा में तो हम उनके खिलाफ केस करेंगे। पर सरकार ने ये सोचा कि आपने किसी गलत चीज, जैसे बेर आपके खराब हो गए, जी, और आपका पेट खराब हो गया तनुजा जी के बेरों से, पर क्या कोई व्यक्ति अच्छे बेर खरीदना चाहे, जी, तो कहां जाए, जी, वो विकल्प जो दिया, तो सरकार ने ये कहा कि उचित मूल्य की दुकानें जो देश में सभी जगह हैं और राजस्थान में करीब 26,000 हैं, उनमें से पहले हम 5,000 दुकानों पर क्वालिटी के उत्पाद बिल्कुल सही दाम पर उपलब्ध कराएंगे। तो आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है, जी, लगभग 2,400 शॉप्स को हम कन्वर्ट कर चुके हैं। वो शॉप्स जो उचित मूल्य की दुकानें थी आज तक, उन पर आपको 150 से 250 अलग अलग तरह के उत्पाद, हर तरह की ब्रांड के क्वालिटी के उत्पाद मिल रहे हैं जो मार्केट में किसी भी दुकान से सस्ते हैं। आपको साबुन, तेल, मंजन, आज प्रॉब्लम ये होती थी कि हम दाल खरीदने जाते हैं तो हमें सभी जगह पॉलिश दाल मिलती है, जी, और आपको पता नहीं कि उसके अंदर कितना जो है कंकड़ है, कितना है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये विकल्प दिया जाए कि वो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदे, तो इन सभी दुकानों पर हम दाल, मसाले, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। और लक्ष्य ये है कि हम 15 अगस्त तक 5,000 ऐसे शॉप्स कन्वर्ट कर देंगे। हमने इसके लिए ओपन टेंडर करके लगभग सभी मल्टी ब्रांड प्रोड्यूसर्स, रिलायंस, बिग बाज़ार, मेट्रो, सहारा, सबको इनवाइट किया, जी, और फाइनली जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमने टेंडरिंग की व्यवस्था की, बिग बाज़ार, जी, और इसको हमने नाम दिया है, वैसे तो हमारे सरकारी नाम और जो पब्लिसिटी का नाम है ब्रांड, वो है अन्नपूर्णा भंडार, पर ये एक तरह से रूरल मॉल्स हैं, गांव-गांव में अब लोगों को वो सामान बेस्ट क्वालिटी का और सबसे सस्ता, इसका स्लोगन है सबसे अच्छा सबसे सस्ता, यानी कि उस कैटेगरी में ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम है, इसको खुद सीएम मॉनिटर करती हैं, और हमारा दावा है कि इससे अच्छा प्रोडक्ट, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट इससे सस्ता नहीं मिल सकता, और हम लगभग 5,000 का लक्ष्य अगस्त के अंत तक पूरा कर लेंगे। तो मेरे तो रिक्वेस्ट ये है सभी दर्शकों से भी, और सुराना जी आपसे भी और बाकी लोगों से भी, कि कहीं भी अगर अन्नपूर्णा ब्रांड देखें जो ऑरेंज रंग में है, जिसमें कि पूर्णा में जो है बाली है गेहूं की, अगर आपको दिखे तो उसका प्रोडक्ट एक बार ट्राई करके देखें, अगर आपको सबसे अच्छा और सबसे सस्ता नहीं मिला तो हम आपका प्रोडक्ट वापस करेंगे और आपको जो है जिस भी तरह से आप चाहेंगे आपकी परीक्षा में खड़े उतरेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, जोरदार तालियां इस बात के लिए कि आपने जो भरोसा और विश्वास दिलाया है उस पर हम खरा उतरेंगे, और अब तालियां उनके लिए
जो एक नृत्य प्रस्तुति लेकर के आ रही हैं, राजस्थानी रंग यानी राजस्थानी फोक और मस्ती का आलम। झूमना है आपको और अपनी जगह आप भी नर्तन कर सकती है, और उनके सम्मान में तालियां बजाइए जोरों से आप।